दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट स्टेडियम के लाइट्स के बारे में। क्या आप जानते हैं स्टेडियम में कौन सी लाइट लगाई जाती है? हेलोजिन, मेटल हैलाइट, मर्क्यूरी या एलईडी? और स्टेडियम में जो लाइट्स लगी होती हैं उसकी कॉस्ट कितनी आती है और एक स्टेडियम को कितने वाट लाइट्स की ज़रूरत होती है? ये सब जानकारी के लिए आपको बने रहना होगा इंडियन क्रिकेट न्यूज़ पे, ताकि आज मैं आपको सब कुछ बता सकूं। सबसे पहले जानेंगे स्टेडियम में कौन सी लाइट लगी होती है। स्टेडियम में ज़्यादातर एलईडी लाइट यूज़ होता है, क्योंकि ये ज़्यादा ब्राइटर यानी उज्ज्वल होता है और कम पावर यूज़ करके ज़्यादा फॉक्स प्रोवाइड करता है, और ये बहुत सेफ होने के साथ इसकी लाइफ टाइम ज़्यादा होती है और इसकी चमक भी बाकी के कंपैरिजन में अच्छी है। आइए बात करते हैं एक लाइट्स कितने वाट का होता है। एक स्टेडियम को 5000 से 8000 वाट तक की लाइट्स ज़रूरत होती है, क्योंकि इसको 50 फीट की ऊंचाइयों पर लगाया जाता है। इसके बावजूद ये दूर दूर तक स्टेडियम को उज्जवल रख सके। अब बात करते हैं इसकी कॉस्ट की, तो इसकी कॉस्ट $75,000 से $100,000 यानी इंडियन रुपीज़ में 54 लाख से 7 करोड़ रुपये तक का होता है। अब बात करेंगे इसकी ब्राइटनेस के बारे में। प्रैक्टिस मैच हो तो इसकी ब्राइटनेस को 250 से 350 लक्स के अंदर तक रखा जाता है। प्रोफेशनल मैच हो तो 500 से 750 लक्स तक की ज़रूरत होती है। अगर बात इंटरनेशनल मैच की हो तो फिर इसकी ब्राइटनेस को और बढ़ाकर 1500 से 2500 तक की रखी जाती है, क्योंकि मैच के लाइव शूटिंग में इसकी वीडियो क्लैरिटी और फुटेज अच्छी क्वालिटी की आ सके और मैच में चमक अधिक होने के साथ बॉल दिखने में आसानी हो, खेल में प्लेयर्स को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर बात करें एक स्टेडियम को कितनी लाइट्स की ज़रूरत है, तो जवाब है एटलीस्ट 4, लेकिन ये डिपेंड करता है स्टेडियम का ग्राउंड कितना बड़ा है या छोटा है। इसी तरह क्रिकेट के बारे में और क्या फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्रिकेट न्यूज़ और अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंडियन क्रिकेट न्यूज़ को। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।